के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया कि शहाबुद्दीन के ट्रायल पर रोक क्यों है, जिस पर बिहार सरकार ने जवाब दिया कि शहाबुद्दीन को सिवान से भागलपुर जेल ट्रांसफर किए जाने के कारण ट्रायल नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार की इस दलील पर जमानत का विरोध कर रहे चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने असहमति जताई। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर रहने से गवाहों को जान का खतरा हो सकता है। शहाबुद्दीन जमानत के बाद सिवान में ही है। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर याचिकाकर्ता चंदा बाबू उर्फ चंद्रकेश्वर प्रसाद के घर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। और इस वक्त